श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। अध्यात्म तक पहुंचने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। साधना के अनेक प्रकार हैं, किंतु ध्यान के बिना हमारा आरोहण नहीं होता। जितना आरोहण हुआ है ध्यान के द्वारा हुआ है। श्रेणी का आरोहण भी शुक्ल ध्यान की स्थिति में, मोक्ष भी ध्यान की स्थिति में, उत्कृष्ट ध्यान। जब शुक्ल ध्यान की दशा आती है तो अध्यात्म के नए नए प्रकाश सामने आते हैं। आचार्य के मन में एक प्रश्न हो गया, भगवान आपके ध्यान से क्या होता है, एक कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि संसारी आदमी शरीर में रहना चाहता है, शरीर सबसे ज़्यादा प्रिय है और प्रियता अनेक के साथ होती है, पदार्थ के साथ होती है, पर शरीर के साथ सबसे ज़्यादा प्रियता होती है क्योंकि सबसे निकट है और सब दूर है। केवल शरीर ऐसा है जो 24 घंटा साथ रहता है, यह आत्मा जो शरीर में रहती है, यह आत्मा का निवास है, घर है, और इतना निकट संबंध हो गया कि आत्मा और शरीर का भेद ही समाप्त हो गया। जैसे मानते नहीं कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इतना एकत्व हो गया शरीर के साथ, संबंध जुड़ गया, ये अलग करना बड़ा मुश्किल है। भेद की रेखा खींचना भी कठिन है कि भेद कहाँ है। जो शरीर है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह शरीर है, एक सामान्य अवधारणा है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इस चिंतन में जो आता है वह अध्यात्म की दिशा में चला जाता है, किंतु यह सामान्य बात नहीं है। सामान्य अवधारणा यह नहीं है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। सामान्य अवधारणा शरीर और मैं एक हूँ, यह अवधारणा है। प्रभो, आपका कोई ध्यान करता है, वह ध्यान करने वाला इस शरीर को छोड़कर परमात्मा बन जाता है, शरीर को छोड़ देता है। कैसे ये अच्छा हुआ कि शरीर को छोड़ता है, तो इतना साथी है, अनादिकाल से साथी, और उसको छोड़ता है। अपने इतने बड़े साथी को जो एक जन्म से नहीं, पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों असंख्य अनंत जन्मों से जो साथ चल रहा है, उस शरीर को छोड़ देना अच्छा कैसे होगा।
एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये शरीर को छोड़कर और वह परमात्मा बन जाता है, ये कैसे हो सकता है? इतने दिन तो शरीर में रहा और अब परमात्मा बन गया, ये कैसे संभव होगा? किंतु एक बात है कि जब तक तीव्र आग नहीं जलती है तब तक शरीर छूटता नहीं है। ये इस शरीर को जलाना होता है, ये सामान्य आग से जलता नहीं। ऐसे तो लगता है कि कोई आदमी आग की लपेट में आ गया, शरीर जल गया। एक जला है पर भीतर का शरीर नहीं जला। बाहर का शरीर तो जल गया पर भीतर का शरीर तो जला नहीं। हमारा स्थूल शरीर है और उससे नीचे सूक्ष्म शरीर है और उसके भी नीचे सूक्ष्मतम शरीर है। ऊपर ऊपर का जल गया, भीतर का शरीर तो जला नहीं और वह जलता भी नहीं आग से, कभी नहीं जलता आग से। कोई भी आग ऐसी नहीं जो भीतर के शरीर को जला सके। किंतु प्रभु आपके ध्यान में वह शक्ति है कि भीतर के शरीर को भी जला देती है, और जब भीतर के शरीर को जला देती है तो फिर जीव इस शरीर को छोड़कर और भीतर के शरीर को जलाकर परमात्मा दशा में चला जाता है, परमात्मा बन जाता है। आत्मा से परमात्मा बनने का एक रास्ता है ध्यान। आत्मा से परमात्मा ध्यान के द्वारा पहले तो स्थूल शरीर का मोह छोड़ा जाता है और एक स्थिति आ जाती है कि शरीर मेरा नहीं है। विनय विजय जी ने एकत्व भावना में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा। अध्यात्म तक पहुंचने के लिए यदि कोई रास्ता है तो ये दो रास्ते हैं, दो अनुप्रेक्षा है। एकत्व अनुप्रेक्षा कि मैं अकेला हूँ, और अन्यत्व अनुप्रेक्षा शरीर मेरा नहीं है। बहुत सुंदर लिखा है। विनय निभालय निज भवनम्, विनय निभालय तनु धन सुत सदन स्वजनादिषु किं निजमिह कुगते रवणम्। विनय येन सहाश्रय सेति विमोहा दिदमहमित्य विभेदम्। तदपि शरीरं नियतमधीरं त्यजति भवन्तं धृतखेदम्। विनय निभालय निज भवनम्। अपने घर को देखो, अपना घर बहुत घर है, नए नए घर बन रहे हैं और हिंदुस्तान में इन 10 वर्षों में इतने घर बने हैं जिनको असंख्य कह दो, एक भाषा में, चालू भाषा में असंख्य घर, इतने बड़े बड़े नगर, इतने बड़े बड़े घर, 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक की लोग बात कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े घर, इतने घर बना लिए, पर अपना घर बहुत कम लोगों ने बनाया है। घर बने हैं सीमेंट, लोहा,
ईंटे जितना मेटेरियल है, जितने पदार्थ हैं उनका उपयोग किया है और विशाल भवन खड़े कर दिए, पर अपना घर एक नहीं बनाता। और वे घर बनाते हैं कि जो घर आज तो बनते हैं, आज जिन पर अधिकार होता है और कुछ समय बाद पता नहीं किसका होता है, अपना नहीं रहता। अपना है वह कभी छूटता नहीं, जो अपना है वह कभी नहीं छूटता, पराया है वह छूटता है। अपना अपना, पराया पराया। एक बड़ा साधक योगी था, आया और राजमहल के सामने दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। पहरेदार थे, बोले कि महाराज क्या कर रहे हो? कि भीतर जाना चाहता हूँ। भीतर क्यों? कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे रहना है, रहने के लिए स्थान चाहिए। बोले महाराज ये धर्मशाला नहीं है, आप धर्मशाला में जाएं ठहरना हो तो, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजमहल है, यहाँ आप नहीं रह सकते। उसने देखा, इधर उधर देखा और बोला कि मुझे धर्मशाला दिखाई दे रही है। नहीं महाराज, ये धर्मशाला नहीं है, तो राजमहल है। योगी ने फिर देखा और फिर कहा, तुम भूल रहे हो, ये धर्मशाला है। योगी अड़ गया, कि मैं तो यहाँ रहूँगा, धर्मशाला में रहूँगा। अब योगी इतना तेजस्वी था कि पहरेदार भी घबरा गए। गए राजा के पास, जाकर बोला, महाराज एक कोई ऐसा तेजस्वी योगी आया है और वह यहाँ रहना चाहता है और कहता है यह धर्मशाला है। अब हमारे बस की बात नहीं, हम भीतर आने देंगे, अब फिर आप कहेंगे। राजा स्वयं आया, देखा योगी के तेज को, देखा राजा भी चकरा गया। बोला महाराज नमस्कार, आप कैसे यहाँ खड़े हैं कि मैं यहाँ इस मकान में रहूँगा? बोला महाराज आप यहाँ नहीं रह सकते, राजमहल में आपके लिए और व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देता हूँ, वहाँ आप रहिए। कहा नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, इसी धर्मशाला में रहूँगा। बोला महाराज धर्मशाला नहीं है, राजमहल है। बोला कि तुम्हें राजमहल लगता है, मुझे धर्मशाला लगती है, यहाँ रहूँगा, किसका घर है? कहा महाराज मेरा है, राजा का। किसने बनाया? कि मेरे परदादा ने यह बनाया था। कब उसको बुलाओ, उससे बात कर लो। महाराज वो तो मर गया, चला गया, तो फिर कौन रहा? कि मेरा दादा रहा, उसको बुला लो, उससे बात कर लूँ, तुमसे क्या बात करूँ, उसे बुला लो। तो महाराज वह भी मर गया, तो फिर कौन रहा? मेरा पिता, उसको बुला लो, उसे बात कर लें। कि वह भी मर गया। तब योगी बोला, राजा समझा नहीं, धर्मशाला क्या होती है? आदमी आता है, बसेरा करता है, चला जाता है। तेरा परदादे ने बसेरा किया, चला गया। तेरे दादा ने बसेरा किया, चला गया। तेरे पिता ने बसेरा किया, चला गया। तू क्या अमर रहेगा? और धर्मशाला क्या होती है? राजा के भी आँख खुल गई और कहा, आइए रहिए। बोला मुझे रहना नहीं है, मुझे तुझे बोध देना था कि ये पराए घर को अपना घर मत समझो, अपना घर तुम्हारी आत्मा है, उसे तुम समझने का प्रयत्न करो। योगी चला गया। हम भी सोचें, चिंतन करें, अपना घर बनाने का सोचें। अब हमें अपना घर बनाना है। आचार्य ने यही तो कहा कि इस देह को छोड़कर परमात्मा बन जाता है। यह देह तो पराया घर है, हमारा घर तो नहीं है, आत्मा आकर यहाँ रहती है, आखिर घर तो पराया है। अगर शरीर अपना होता तो आत्मा कभी छोड़ती नहीं, छोड़ती है इसलिए कि पराया है, पराया घर है। और अपना घर बनाने के लिए चिंतन को बदलना होगा और उसका चिंतन
भगवान महावीर की वाणी में, महावीर ने जो सच्चाइयों को प्रकट किया, जो सच्चाइयां सामने रखी, उनमें अंतिम सच्चाई यह है, एकत्व भावना, एकत्व अनुप्रेक्षा अंतिम सच्चाई है कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ और अकेला ही जाना है, और सारे संबंध है, संबंध पराए पराए पराए, जिनको मैं मानता हूँ मेरा है, अपना है, सब पराए हैं, अपना कोई नहीं है। अपना वह होता है जो साथ चलता है, जो साथ नहीं चलता वह अपना कैसे हुआ? अपना कभी संबंध नहीं छोड़ता, जो अपना है, निजी है, वह कोई संबंध नहीं छोड़ता, जो संबंध छोड़ता वह पराया हो गया। एकत्व अनुप्रेक्षा, आचार्य ने स्तुति के माध्यम से इस सच्चाई को प्रकट किया है कि शरीर को छोड़कर परमात्मा बन जाता है। कैसे बनता है? कि जो एकत्व का अभ्यास करता है, दूसरी सच्चाई जो अन्यत्व का अभ्यास करता है, अन्यत्व का कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इन दो सच्चाइयों को समझने वाला, इन दो सच्चाइयों का मेटेरियल इकट्ठा करने वाला अपना घर बना सकता है। जो इन दो सच्चाइयों का इकट्ठा नहीं करता वह कभी अपना घर नहीं बना सकता, वह पराए घर में रहेगा, आएगा, बसेरा करेगा, रात बसेरा और सुबह चला जाएगा, वही स्थिति होती है। तो आचार्य ने कहा, प्रभु आपके ध्यान से क्या होता है कि आदमी इस शरीर को छोड़कर और परमात्मा बन जाता है, इन्हें अपने घर में चला जाता है। परमात्मा का मतलब अपने घर में चला गया, और अपने उस घर में चला गया जिस घर को न कोई खाली करा सकता, न कोई कब्जा कर सकता, कोई नहीं। अपने घर में जाने के बाद शाश्वत सदा रहता है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, न कोई सरकार निकाल सकती, न कोई हाउस टैक्स लगा सकता, न और कुछ कर सकता, न तोड़ फोड़ होती, न किसी कारीगर की ज़रूरत, वह अपना घर चला जाता है। यह कैसे होता है? यह होता कैसे है? भला इतना गहरा संबंध है, कैसे होता है? ठोकड़ा जानने वाले, तेरे द्वार जानने वाले लोग जानते हैं। तेरे द्वार में इसकी प्रक्रिया बहुत सुंदर बतलाई गई, और अब वैसे गुरुदेव का ग्रंथ आ गया वह जैन तत्व प्रवेश, उसमें बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया का आचार्य उल्लेख कर रहे हैं कि मिट्टी है, मिट्टी और मिट्टी में सोना मिला हुआ है। हमने देखा जब आचार्यवर ने दक्षिण यात्रा की, तो हमने देखा कि खान से निकल रहा है कोरी मिट्टी लग रही है, और जब तीव्र अनल का ताप लगता है, तीव्र सामान्य अग्नि नहीं, तीव्र अग्नि का जो ताप लगता है, तो वे मिट्टी है, वे धातु है, भेदा चामी करत्व, वे उस मिट्टी को अलग कर और सोना बन जाता है। अथवा ऐसी धातुएं भी होती है, पीतल है, तांबा है, और कोई सामान्य धातु है, किंतु ऐसी प्रक्रिया है तीव्र अनल की कि जिससे उसका रूप बदल कर वो सोना बन जाता है। हिंदुस्तान में सोना बनाने की बहुत विधियाँ ज्ञात थी, बहुत लोग सोना बनाना जानते थे, बहुत लोग मतलब जनसाधारण नहीं, बड़े बड़े योगी साधक सोना बनाना जानते थे। यह प्रसिद्ध है जैन परंपरा में कि जैन परंपरा के एक बड़े साधक हुए आनंद घन जी, बड़े योगी थे,
बड़े साधक जैन साधक और जिनका प्रवास भी इधर राजस्थान में ये नागौर जिला मेड़ता और उधर काफ़ी प्रवास उनका रहा, गुजरात में भी रहा। जब राजा को पता चला कि ये सोना बनाने की कला जानते हैं, राजा चला गया उनके पास। तो आगे और भी बहुत साधक थे और ग्रंथ भी हैं ऐसे कि जहाँ सोना बनाने की विधियाँ है। यह प्रसिद्ध बात है कि दसवीं कालिक सूत्र का पहला अध्ययन 5 गाथाएं हैं। ऐसे तो साधु की गोचरी भिक्षाचर्या की विधि है और वैसे वह मंत्र भी है, विघ्न निवारण का बड़ा मंत्र है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी विधि है कि उसके द्वारा विघ्नों का समन कैसे किया जा सकता है। आज भी उपलब्ध है वह विधि और किंतु उसमें दसवीं कालिक के पहली गाथा धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंग संति जस धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, यह पहली गाथा है और इस पहली गाथा में सोना बनाने की भी प्रक्रिया छिपी हुई है, विधि है सारी। तो आगे लोग जानते थे तो आचार्य ने कहा कि प्रभु तीव्र अनल के बेग से जैसे धातु भेद है वे भी सोने बन जाते हैं, चाहे मिट्टी सोना बन जाती है, चाहे कोई पीतल तांबा आदि भी सोना बन जाता है, इसमें क्या आश्चर्य है फिर कि आपके ध्यान से कोई सामान्य शरीरधारी परमात्मा बन जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तीव्र अनल का तीव्र अग्नि का वेग होने पर जब सामान्य मिट्टी भी सोना बनती है तो आपके ध्यान से बने कोई आश्चर्य के नहीं। प्रभो आपकी अद्भुत महिमा है तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकेंड में श्वास लेना है, 5 सेकेंड भीतर रोकना है और 5 सेकेंड रेचन करना है और 5 सेकेंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकेंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, 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 बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। गुरवे नमः। ओम श्री